नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक शुगर के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप किसी हद तक अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करेंगे तो दोस्तों आपकी शुगर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा सभी माता बहनों भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को एक तो पूरा देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि शुगर नहीं जाती है, और मैं भी आपको ये लिख कर दे सकता हूँ कि शुगर चली जाती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। शुगर को ख़त्म करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय हैं और अनेक प्रकार के कई तरह से नुस्खे हैं जो आदमी की तासीर को देखकर जो प्रयोग है वो कर दिया जाता है। अब यहाँ बात आती है कि शुगर जो है वो कैसे नहीं जाती। तो दोस्तों, सबसे पहले बड़ा टिपिकल पॉइंट है, इसको पकड़िए आप, कि जो भी व्यक्ति दोपहर को खाना खाता है उसकी शुगर कभी नहीं जा सकती। ये भी मैं लिख कर दे देता हूँ कि जो व्यक्ति जितना मर्जी इलाज करवा ले, अगर जिस व्यक्ति को शुगर है, अगर उसने दोपहर का खाना नहीं छोड़ा तो उसकी शुगर जो है वो नहीं जाएगी। चाहे वो कितना भी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट करवा ले, उसकी शुगर नहीं जाएगी। वजह है इसके पीछे, दोस्तों, दोपहर को कौन आदमी खाना खाए या किसको खा लेना चाहिए? दोस्तों, दोपहर का खाना जो है वो जो लेबर वाला आदमी होता है या फिजिकली ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति है उसको जो है दोपहर का खाना खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो सुबह खाना खाता है तो वो उसका जो हार्ड वर्क है तो सारा खाना जो है वो उस वक्त तक वो पचा लेता है, और वो दोपहर तक उसको भूख भी लगेगी और वो थोड़ा सा थक भी जाता है। तो ऐसे में एनर्जी के लिए उसके लिए थोड़ा सा खाना जो है वो उसको खा लेना चाहिए। ये एक लॉजिक है। दूसरा, इसके अंदर लॉजिक ये है कि हमारे जो शरीर के अंग हैं वो लगातार दो दो घंटे के बाद उसकी टाइमिंग जो है वर्किंग करने की तो वो अलग अलग है। जिस प्रकार हमारा पेनक्रियाज जो है वो 9 से 11 के बीच सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो हमारा पेनक्रियाज है जब तक हम 9 और 11 के बीच खाना नहीं खाएंगे, 9 बजे के करीब करीब खाना नहीं खाएंगे, तो दोस्तों जो हमारा नेचुरल तौर पर पेनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है वो छोड़ता तो है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, परांठा खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो दोपहर तक वो पच जाता है। यही वजह होती है, और आपको दोपहर में आप खाना खा लेते हैं, आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। जिस प्रकार बार बार चाय पीने वाला व्यक्ति उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाय चाहिए होती है। बहुत ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग ऑफिस में बैठते हैं कि ऑफिस में पहुंचे पहले तो एक एक कप वो चाय का लेंगे। कुछ लोग नहीं पीते हैं, वो एक आदत है। ये आदत जो है, अब मान लिया कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो, और शुगर पेशेंट है, तो मान लिया वो 3 चपाती सुबह खाता है या 4 चपाती सुबह खा लेता है, तो अब हार्ड वर्क तो हुआ नहीं, दोपहर को फिर खा लेंगे। वो एक आदत है हमारी। अगर आप दोपहर को खाना खाते हो तो दोस्तों उसमें आप बिल्कुल, जैसे गर्मियों का मौसम है, आप टमाटर, खीरा, ककड़ी, मूली इस चीज़ को काट के खा लीजिए। गर्मियों के मौसम में आपका पेट भर जाएगा। आपको एक और चीज़ कहता हूँ कि जिन लोगों को, बहुत सारे ऐसे शुगर पेशेंट हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो दोपहर के समय मूली, टमाटर और खीरा,
इनका वो भर पेट जो है वो सलाद खा सकता है। अब जैसे गर्मियों के टाइम में ये हो गया, गर्मियों के टाइम में दिन जो होता है वो लंबा होता है, सर्दियों के टाइम में क्या होता है, दिन छोटा होता है। तो अगर आपको दोपहर के टाइम भूख लगती है तो गर्मियों के टाइम, सर्दियों के टाइम में सॉरी, आप क्या कर सकते हैं, जैसे भुने चने, पॉपकॉर्न हो गए आपके, फिर मूंगफली हो गई, आप थोड़ा सा खा लीजिए और आपका जो है, जो भूख है वो शांत हो जाएगी। तो दोस्तों एक तो नंबर वन तरीका ये आ गया आपका। अब दूसरा जो बहुत ही एक लाजवाब नुस्खा है अपने आप में, वो क्या है तो छोटी सी चीज़। ये देखिए मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, आप कृपया इस वीडियो में बने रहिएगा लगातार। तो दोस्तों ये मूंग है, साबुत मूंग है ये। आप रात को, कोई भी शुगर पेशेंट है, कोई भी एनीवन, चाहे वो टाइप वन वाला हो चाहे टाइप टू वाला हो, आपने रात को कोई भी दाल सब्जी बनाई हो, आपको कम से कम एक या दो कटोरी मूंग की दाल की पीनी है, या उसके, या तो आपने मान लिया मूंग की दाल बनाई है, या तो ऐसा कर लीजिए किसी के साथ खाना खा लीजिए, लेकिन रोज़ रोज़ जो है वो मूंग की दाल आप नहीं खा सकते, उसके साथ रोटी नहीं खा सकते, तो मन जो है भर जाता है फिर। लेकिन एक ये बड़ा सिंपल तरीका है कि रात को आपने कोई भी भले सब्जी, कोई भी दाल बनाई हो, तो आप जो है इस दाल की कम से कम दो कटोरी जो है ज़रूर पिए। और उसके अंदर क्या डालें ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर आपको डालना है एक या दो आंवले जो होते हैं वो, उनका पिसा हुआ पाउडर आप बीच में डाल दीजिए। दोस्तों इस चीज़ से क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बढ़िया हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी कम होगी, और जो आपका शुगर लेवल है आम दिनों के मुकाबले वो कम होगा। दोस्तों अब एक और चीज़ आ जाती है इसमें, ये तो हो गया आपका ये जो मैंने तरीका बताया खाने का, और इसका अब इसी से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने खाना छोड़ दिया है, फिर सुबह के टाइम में पराठे खाते हैं, आप तली और अचार वाली चीज़ें कोई ना खाएं। और एक और चीज़ जो है वो आपको छोड़नी है, वो है काली दाल या उड़द की दाल जिसको बोलते हैं। अगर आप अकेली उड़द की दाल खाते हैं तो वो शुगर में आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इसमें जो बात होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं अगले वीडियो में डालूंगा, उसके अंदर मैं आपको शुगर की किस्में बताऊंगा कि कैसे होती है, कितने किस्मों की होती है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उड़द की दाल नहीं खानी है, अगर खानी है तो उसमें आप कम से कम उसमें दो हिस्से चने की दाल के, और एक आपका एक तिहाई जो है, तीसरा हिस्सा जो है वो उड़द की दाल का हो, तो उस हिसाब से आप उड़द की दाल का प्रयोग करें। अब देखिए दोस्तों आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा, ये मेरे हाथ में ये जो गिलोय होती है, गिलोय से ये चीज़ तैयार होती है, और इस चीज़ को कोई भी कंपनी नहीं तैयार करती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर होती है। इसका मैं भेद आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर इस ढंग से, जैसे मैंने आपको खाने का तरीका बताया, जैसे मैंने सुबह के टाइम में या आपको रात को क्या लेना है, अगर मान लिया इसको हम, ये मेरे हाथ में इसको तोड़ के मैंने एक छोटी सी गोली बनाई, अगर इसको हम दो या तीन टाइम लेते हैं, तो दोस्तों जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले तरीका बताया, बड़े से बड़ा रोगी भी अपनी शुगर को जड़ से ख़त्म कर सकता है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं और इसके ऊपर ये साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव है कि शुगर में इसका मुकाबला नहीं है, चाहे वो टाइप वन का हो चाहे टाइप टू का हो। बात वहीं अटक जाती है कि शुगर के पेशेंट जो हैं वो क्यों ठीक नहीं होते। और एक और चीज़ मैं लॉजिक आपको समझाना जा रहा हूँ कि जो अगर भरपेट भी आप खाना खा लेते हैं तो दोपहर को आपको भूख लगती है, वो दोपहर को भूख इसलिए लगती है क्योंकि आपने सुबह जल्दी खा लिया और आपका जो पेनक्रियाज है उसने इंसुलिन बढ़िया तरीके से छोड़ दिया, आपका खाना जो है दोपहर तक
वो डाइजेस्ट हो गया, आपको फिर हल्की सी भूख महसूस होती है कि कुछ खा लिया जाए, तो उस स्थिति में आपने खाना नहीं खाना है। जो मैंने आपको तरीके बताए वही करना है। और अगर आप इस ग्लू को खुद तैयार करते हैं, क्योंकि इसको कोई बनाता नहीं है, हम इसको तैयार करते हैं, ये देखिए ये प्योर गिलोय का, जो जैसे हम घरों में आसपास में गिलोय होती है, तो उसको पहले तो कूटा जाता है, कूटने के बाद उसे अच्छी तरह बॉयल किया जाता है, बॉयल करने के बाद उसका जो पानी होता है उसको फिर जैसे हम खोया बनाते हैं दूध का, उसी हिसाब से ये लास्ट में काली रबड़ी बन जाती है इस तरह से। और दोस्तों गिलोय किया, जैसा आजकल आपको पता है कि कोरोना फैला है तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, इसका मुकाबला, और इसके कई प्रयोग हैं, आँखों से लेकर के घुटनों की दर्द से लेकर के गठिया तक, यानी कि उसमें क्या है, अनुपान अलग अलग है, किस व्यक्ति को कैसे देनी है, किस प्रकार का रोगी है, ये कैसे उसको देनी है, किस चीज़ से देनी है, इसका अंतर है थोड़ा सा। गिलोय का सत्व भी बनता है, उसका थोड़ा प्रोसेसर अलग है, वो भी कभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये आपको पकड़नी है, और जब आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी शुगर जो है वो जड़ से ख़त्म होगी। दोस्तों मैंने कई लोगों को ठीक किया है और मेरा तजर्बा है, और बाकी अब आने वाले जो मेरे वीडियो हैं शुगर के ऊपर उन्हें आप देख लीजिएगा, मैं उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया और भी आपको टिप्स बताऊँगा। ये चीज़ जो है आप जरूर करें, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।